Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 2, वर्ण और वर्णमाला, letters and alphabet. वर्ण, letter. बोलते समय हम शब्दों का प्रयोग करते हैं. हर शब्द में कई ध्वनियाँ होती हैं. निम्नलिखित शब्दों और उनकी ध्वनियों को ध्यानपूर्वक देखिए. चित्र शब्द ध्वनियाँ, डाई, द, जमा, आ, जमा, य, जमा, अ, चूहा, च, जमा, उ, रमा, ह, जमा, आ. चित्र शब्द ध्वनियाँ, तोता, त, जमा, उ, जमा, त, जमा, आ. गुलाब, ल, जमा, उ, रमा, ल, जमा, आ, जमा, ब, जमा, अ. यहाँ गाय, चूहा, तोता, गुलाब शब्द विभिन्न ध्वनियों के मेल से बने हैं. इन ध्वनियों के इससे छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते. इस प्रकार वह ध्वनि जिसके और टुकड़े न हो सके वर्ण कहलाती है. वर्णमाला, अल्फाबेट, किसी भाषा के सभी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं. हिंदी की वर्णमाला को दो भागों में बांटा जा सकता है, स्वर अ, आ, ई, ई, उ, उ, री, ए, ए, ओ, ओ, व्यंजन, क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न, प, ह, ब, ह, म, य, र, ल, ब, च, श, स, ह. वर्णों के प्रकार, kinds of letters. वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर, दो व्यंजन, एक स्वर बाउल. जो वर्ण किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं. इनकी संख्या 11 होती है. अ, आ, ई, ई, उ, उ, री, ए, ए, ओ, ओ. दो व्यंजन, कॉन्सोनेंट. जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं. इनकी संख्या 33 होती है. एक खवर, क, ख, ग, घ, अंगा. दो दो चवर, च, छ, ज, झ, न्य. तीन खवर, ट, ठ, ड, ढ, न. चार खवर, त, ठ, द, ध, न. पांच खवर, प, फ, ब, भ, म. बराबर 25 वर्ण. छह अंत, स्त, य, र, ल, व. सात उष्ण, श, श, स, ह. बराबर 8 वर्ण. कुल बराबर 33 वर्ण. विशेष र और ह वर्ण कभी शब्द के आरंभ में नहीं आते. अ और अ वर्णों को अयोगवाह कहते हैं. संयुक्त व्यंजन, जॉइंट कॉन्सोनेंट्स. क्षुत्र, य और श्र दो व्यंजनों के मेल से बने हैं. इसी कारण ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं. ये इस प्रकार बनते हैं, क, जमा, श, बराबर, क्ष, त, जमा, र, बराबर, त्र, ज, जमा, न्य, बराबर, य, च, जमा, र, बराबर, श्र. अनुस्वार और अनुनासिक. अनुस्वार एंड नीजल. नीचे दिए गए चित्रों व उनके नामों पर ध्यान दीजिए. पंख, शंख, आफला, पूंछ. अनुस्वार. अनुस्वार वर्णों के ऊपर लगने वाले बिंदु अनुस्वार को अनुस्वार कहते हैं. अनुस्वार वाले वर्णों के उच्चारण में हवा नाक से बाहर निकलती है, जैसे बंदर, मंदिर, पंख, शंख आदि. अनुनासिक नेजल वर्णों के ऊपर लगने वाले चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं. अनुनासिक वाले वर्णों के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है, जैसे पूंछ, चांद, गांव, आंवला आदि.
अनुस्वार, अनुस्वार वर्णों के ऊपर लगने वाले बिंदु अनुस्वार को अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार वाले वर्णों के उच्चारण में हवा नाक से बाहर निकलती है, जैसे बंदर, मंदिर, पंख, शंख आदि। अनुनासिक नेसल वर्णों के ऊपर लगने वाले चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक वाले वर्णों के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है, जैसे ऊंच, चांद, गांव, आंवला आदि। मात्रा बाउल माप व्यंजन और स्वर का मेल होने पर स्वर का रूप बदल जाता है। यह बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। स्वर मात्रा मात्रा लगा व्यंजन शब्द चित्र अ घ जमा अ बराबर घ धर आ की मात्रा क जमा आ बराबर का कार ई छोटी की मात्रा गी जमा ई बराबर गी गिलास ई बड़ी की मात्रा त जमा ई बराबर ती तीर उ छोटियों की मात्रा म जमा उ बराबर मु मुर्गा उ बड़ियों की मात्रा छ जमा उ बराबर छु छूला रीरी की मात्रा द जमारी बराबर त्री द्रिक इक इक की मात्रा प जमा ए बराबर पी पी ए की मात्रा ब जमा ए बराबर पे पेल उ की मात्रा भ जमा उ बराबर भो भोर ओ की मात्रा प जमा ओ बराबर पो पढ़ा। निम्को पढ़िए समझिए और याद कीजिए। आ की मात्रा ई बड़ी की मात्रा उ की मात्रा ओ की मात्रा की मात्राएं व्यंजन के बाद लगती हैं, जैसे माला तीन मोर कोआ। छोटी की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है, जैसे हिरण सिर किला ए ए की मात्रा ए ए की मात्रा की मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती हैं, जैसे नीला केला थैला। ओ छोटा उ की मात्रा उ बड़ा उ की मात्रा री री की मात्राएं व्यंजन के नीचे लगती हैं, जैसे चुहिया फूल मृग। वर्ण र में उ और उ की मात्राएं बाद में लगती हैं, जैसे रुपया रूप रुमाल। याद रखिए रिमेम्बर वह ध्वनि जिसके और टुकड़े न हो सकें वर्ण कहलाती है। स्वर संख्या में 11 और व्यंजन संख्या में 33 होते हैं। वर्णों के ऊपर लगने वाले बिंदु अनुस्वार को अनुस्वार व चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। Like, share and subscribe.